हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है इट एंड्स विद अस, और ये बुक लिखी है कोलिन होवर ने। सो लास्ट वीडियो हमने देखी थी वीडियो नंबर 41। अब यहाँ से शुरुआत होती है वीडियो नंबर 42 की, और ये है बुक में चैप्टर नंबर 31। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, जिन लोगों ने मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं करा, आप चाहो तो मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। उन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमारी वीडियोज़ तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब करो। अब जो लिली होती है ना, उसकी मम्मी का मैसेज आता है, आई मिस यू, और मैं तुम्हें कब देख सकती हूँ। अब जो लिली होती है ना, वो टेक्स्ट मैसेज को देख रही होती है, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले ही ना रायले आ चुका था, और रायले को पता चल चुका था 2 दिन से कि अब भाई लिली प्रेग्नेंट है। और ये चीज़ ना उसने अपनी मम्मी को नहीं बताई थी अभी तक, और वो ना बड़ी टेंशन में थी कि मैं अपनी मम्मी को कैसे बताऊं। वो इसलिए टेंशन में नहीं थी कि उसको मम्मी को ये बताना है कि वो प्रेग्नेंट है, वो इसलिए टेंशन में थी क्योंकि उसको मम्मी को ये बताना है कि उसके और रायले की रिलेशनशिप कैसी चल रही है। अब जो लिली ने वो मैसेज भेजती है अपनी मम्मी को, मिस यू टू, मैं कल दोपहर में आती हूँ, और प्लीज़ ना आप मेरे लिए लसागना बना सकते हो क्या। अब जैसे वो मैसेज को देख ही रही होती है ना, इतने में जो दूसरा मैसेज होता है वो आ जाता है अलीसा का। अब जो अलीसा है ना, उसको मैसेज करती है ऊपर आ जाओ, आज डिनर में हमारे साथ ही करना, होममेड पिज्ज़ा पार्टी हो रही है आज। अब जो लिली होती है ना, वो पहले तो देखती है कि ये अलीसा ने बुलाया है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ना जो रायले था वो आ गया था, लेकिन वो लिली के साथ तो रह नहीं रहा था, तो वो रह कहाँ रहा था, वो अलीसा के साथ ही रह रहा था उसके अपार्टमेंट में। अब जो लिली है वो मन में सोचती है कि यार मैं उसके अपार्टमेंट में जाऊँगी, वहाँ रायले भी होगा, तो सिचुएशन ख़राब होगी। अब जो लिली है ना, वो उसको टेक्स्ट मैसेज भेजती है कि कौन कौन होगा वहाँ पर। अब जो अलीसा है ना, वो लिख के भेजती है, लिली मुझे पता है यार तुम क्या पूछना चाह रही हो, और वो कल सुबह 8 बजे तक काम करेगा, तो सिर्फ हम 3 होंगे। और जो अलीसा होती है ना, वो बहुत अच्छे से समझती है लिली को। अब जो लिली होती है ना, वो कहती है कि ठीक है मैं वापस आ जाऊँगी, जैसे मैं काम फिनिश करती हूँ ना उसके बाद आती हूँ। अब जो अगला सीन होता है ना, उसमें जो लिली होती है वो बैठी हुई होती है अलीसा के घर में, और कहती है ना ये बच्चे खाते क्या हैं यार इस उम्र में। और ये लोग ना एक टेबल पर बैठे हुए होते हैं, जो रायली होती है ना वो सो रही होती है, वो क्या करती है लिली जैसे ही उसको उठाती है वो जग जाती है। अब जो अलीसा होती है ना, वो चीज़ को माइंड नहीं करती, क्योंकि भाई अलीसा सोचती है ना जब मैं सो रही होंगी तो ये भी सो जाएगी इसी बहाने। अब जो मार्शल होता है ना, वो कुछ खा रहा होता है, कहता है ना माँ का दूध पीते हैं, लेकिन कई बार मैं क्या करता हूँ ना, मैं अपनी फिंगर सोडा में डालता हूँ और इसके ना मुँह में चखा देता हूँ इसको। अब जो अलीसा होती है ना, चिल्लाती है, कहती है मार्शल तो मजाक कर रहे हो ना। अब जो मार्शल होता है, कहता अरे मैं तो बिल्कुल ही मजाक कर रहा था यार, लेकिन उसके रिएक्शन से साफ पता चल रहा था ना कि वो बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा था, वो ऐसा करता ज़रूर होगा। अब जो लिली होती है ना, वो अलीसा से पूछती है कि तुम्हें पता कैसे चलेगा ये लोग बेबी फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो लिली होती है ना, वो ये सब कुछ इसलिए पूछ रही होती है क्योंकि भाई कुछ दिन बाद वो भी बच्चे को जन्म देगी, तो उसको पता होना चाहिए। अब जो अलीसा होती है ना, वो बासी लेते हुए कहती है ना लगभग 4 महीने बाद, और ये कहते ही ना वो आराम से कुर्सी होती है उस पर पीछे बैठ जाती है टिक के, अपनी आंखों को मसल रही होती है। अब जो लिली होती है ना, कहती है तुम्हें ना नींद की ज़रूरत है, एक काम करो आज तुम ना अच्छे से नींद लो और मैं इसकी देखभाल कर लूँगी। अब जो अलीसा होती है, कहती नहीं 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 ठीक है यार। अब जब वो मार्शल की तरफ देखती है ना, तो मार्शल कहता है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है यार। अब जो लिली है ना, वो हंस पड़ती है, कहती है सच्ची में यार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं वैसे भी नीचे ही तो रहती हूँ, मुझे मेरी कल छुट्टी है, अगर मैं रात भर जग भी जाऊँगी तो मैं कल दिन में सो लूँगी। अब जो अलीसा होती है ना, वो थोड़ी देर कुछ सोचती है और कहती है ना ठीक है मैं अपना सेल फोन ऑन रखूँगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। अब जो लिली है ना, वो रायली को उठाती है, रायली को देखती है, कहती है क्या तुमने सुना क्या कहा, आज तुम आंट लिली के साथ सोने वाली हो। अब अगले सीन में क्या होता है ना, जो अलीसा होती है वो सारा जो रायली का डायपर बैग होता है ना, उसके अंदर सब कुछ सामान भर रही होती है, और वो इतना सामान भर देती है ना जैसे कि वही पूरे देश घूमने वाले हों वो लोग। और जो अलीसा है ना, वो कहती है तुम्हें पता चल जाएगा जब इसको भूख लगेगी, माइक्रोवेव में दूध गर्म मत करना, बस उसमें रख देना। अब जो लिली है ना, उसको बीच में टोक देती, कहती है मुझे पता है मैं अब तक इसको 50 बोतल दूध पिला चुकी हूँ यार, टेंशन मत लो। अब जो अलीसा होती है ना, वो अपने आराम से बिस्तर पर जाती है, बिस्तर पर लेट जाती है, और जो डायपर बैग होता है ना वो साइड में रख देती है। और जो मार्शल होता है ना, वो क्या करता है रायली को आखिरी बार खिला रहा होता है ताकि फिर लिली उसको ले जाएगी। अब जो अलीसा होती है ना, वो भी आराम से बेड पर बैठ के दोनों वेट कर रहे होते हैं। अब जो अलीसा होती है, वो कहती है ना तुम्हें पता है लिली इसका मतलब क्या है। अब जो लिली होती है, कहती है नहीं। अब जो अलीसा होती है, कहती है आज रात हम लोग सेक्स करने वाले हैं, 4 महीने हो गए हमें। अब जो लिली होती है ना, घर खराब सी नाक बनाती है, ई मुझे नहीं जानना ये सब। जो अलीसा होती है ना, वो हंसने लगती है, आराम से अपना चेहरा तकिए पे रखती है, और अचानक से ना खड़ी हो जाती है, कहती है शिट पिछले 4 महीने से तो मैंने शेव ही नहीं करे अपने प्राइवेट पार्ट्स यार। अब जो लिली होती है ना, वो हंसने लगती है, और लिली अपना हाथ अपने पेट पर रख देती है, कहती है ओ माई गॉड यार मैंने कुछ फील करा। अब जो अलीसा होती है, कहती है सच्ची। अब जो अलीसा होती है ना, वो भी अपना हाथ उसके 5 मिनट तक ना लिली के पेट पे ही रखते हैं, और वो उम्मीद कर रहे होते हैं कि कब वो लोग नोटिस करेंगे कि बच्चे ने लात मारी पेट में, लेकिन ना वो इतना सॉफ्ट होता है अभी, इतना अननोटिसेबल होता है ना कि उन लोगों को पता ही नहीं चलता। जो लिली है ना, उसको तो फील हो रहा होता है अंदर से, जो लिली है वो हंसती है, लेकिन जो अलीसा थी ना उसको फील नहीं हुआ। अब अलीसा कहती है ना मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा यार, मुझे ऐसा लगता है ना अभी कुछ हफ्ते और लगेंगे इतना मोमेंट होगा ताकि जो बाहर हाथ लगाए उसको भी फील पता चले।
अब जो लिली होती है कहती है हाँ यार, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना जो मेरा बच्चा होगा वो सबसे आलसी बच्चा होगा इस पूरी दुनिया का। अब वो ना लिली ऐसे अपना हाथ अपने पेट पे लगा के रखती है ताकि वो लोग दोबारा से सुन सके। और जो लिली होती है ना वो सोचती है कि इस वक्त पे ना मुझे रायले के साथ होना चाहिए था, ना कि मेरे बगल में एलिसा होनी चाहिए थी और वो मेरे पेट पे हाथ लगा रही हो। अब जो लिली है ना जब वो ये सोचती है तो उसको थोड़ा सा बुरा सा लगता है, और ये चीज़ ना एलिसा ने नोटिस कर ली होती है। जो एलिसा होती है ना उसका हाथ पकड़ती है, उसका हाथ सहलाती है ना, उसकी तरफ देख के स्माइल करती है, कहती है लिली मैं तुमसे ना कुछ कहना चाहती हूँ। अब ये सुनने के बाद जो लिली होती है ना उसके तो कान खड़े हो जाते हैं, कहता है क्या हो गया। अब जो एलिसा होती है ना उसको देख के स्माइल करती है, कहती है मुझे पता है यार तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो कि मेरा भाई तुम्हारे साथ नहीं है, और मुझे नहीं पता वो तुम्हारे साथ होगा या नहीं होगा ऐसी सिचुएशन में, लेकिन मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहती हूँ ना, जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि तुम एक बहुत अच्छी माँ बनोगी अपनी ज़िंदगी में, और तो और ये बच्चा ना बहुत ही ज़्यादा लकी होगा कि उसको तुम जैसी माँ मिली। अब ये सुनने के बाद जो लिली होती है ना वो बड़ा खुश होती है, क्योंकि भाई उसके पास एक एलिसा ही ऐसी पर्सन थी इस वक्त जो उसको सुन सकती थी, जो उसको हंसा सकती थी, रुला सकती थी उसकी बातों से। और ये लोग ने ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल टीनेजर नहीं होते जो वैसी वाली सिचुएशन थी इन लोगों के लिए। ये लोग दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, जो लिली होती है ना उसको थैंक यू बोलती है क्योंकि ये वर्ड्स वो एक्चुअली में सुनना चाहती थी, और उसको ना ये सुनने के बाद बड़ा अच्छा लगता है। अब जो एलिसा होती है ना वो स्माइल करती है, कहती है जाओ मेरे बच्चे को यहाँ से ले जाओ मुझसे दूर, क्योंकि आज रात को हम सेक्स करने वाले हैं मेरे अमीर हस्बैंड के साथ। अब जो लिली होती है ना वो बेड से खड़ी होती है और कहती है ना तुम्हें पता है यार तुम कैसी एक सीरियस सिचुएशन में भी ना सबको हंसा सकती हो, और ये चीज़ ना तुम्हारा बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है। अब जो एलिसा होती है ना कहती है तभी तो मैं यहाँ पे हूँ ना, अब तुम जाओ चलो। तो इस नोट पे होती है ये वीडियो ख़त्म, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।